हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी अपलोड की हुई वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ का लेसन प्लान दिखाने जा रहा हूं। पाठ योजना संख्या 2 है। यहाँ पे आप लोगों को विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है। आज का जो लेसन प्लान है वो कक्षा 7 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित, उप विषय है अंक गणित और कालांश है प्रथम। अवधि है यहाँ पे देखिए 36 मिनट लिखा है, क्योंकि कुछ लोग इसकी मानक अवधि 36 मिनट कहते हैं, तो इसकी मानक अवधि आप 36 मिनट लिख सकते हैं। यहाँ पे वैसे जनरली 40 से 45 मिनट लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना, जिस डेट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा प्रकरण है समानुपात। इसके पहले मैंने अनुपात की वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक अनुपात का जो लेसन प्लान है वो नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अनुपात का लेसन प्लान आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य सभी मैथ का लगभग सेम ही रहेगा। छात्रों पहला है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित के सूत्रों व नियमों से अवगत कराना, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। उसके बाद चलते हैं हम अपने विशिष्ट सामान्य उद्देश्य में। एक दो और पॉइंट है, छात्रों को शीघ्रता और शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक और पॉइंट है, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। जो अनुपात है उसका इंग्लिश मतलब होता है रेशियो, और समानुपात का इंग्लिश मतलब होता है प्रोपोर्शन। ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट रखती है। आप अगर किसी भी तरीके का एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास 7th का है, बट ये अगर आप क्लास 6-7 से ही सही से सही तरीके से पढ़ते जा रहे हैं तो आप लोगों को आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो ये आगे देख लीजिए, इसका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में भी यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखा है। छात्र समानुपात का अर्थ व परिभाषा समझ सकेंगे, छात्र समानुपात के प्रश्न को हल कर सकेंगे, छात्र समानुपात के पदों का नाम जान सकेंगे, छात्र समानुपात के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, छात्र समानुपात का महत्व जान सकेंगे, दैनिक जीवन में समानुपात की उपयोगिता को जान सकेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री है, गुणा भाग का चार्ट, चौक, डस्टर, लपेटन, स्यामपट आदि। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिख दीजिएगा। छात्र गुणनखंड और अनुपात की पूरी जानकारी रखते हैं। अगर आप समानुपात पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उनको गुणनखंड और अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पे आ जाइए। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए पूरा प्रस्तावना प्रश्न। क्रम संख्या है, छात्राध्यापक कथन है और छात्र छात्रा क्रिया है। इसमें पहला है प्रश्न, आप बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे वो आपके प्रकरण को बोल दें। तो पहला प्रश्न मैं पूछूंगा बच्चों से, संख्या 10 और संख्या 5 की 2 गुनी है संख्या 10, तो वो कैसे पता चला आप लोगों को। तो बच्चे बोलेंगे तुलना करने पे। तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे अनुपात, क्योंकि पहले बच्चे अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप उसी से बनाइए कि जब 2 अनुपात आपस में समान या बराबर हों तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे उसे समानुपात कहते हैं। उसके बाद समानुपात के दोनों पदों के नाम बताइए, तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी आप उनको समानुपात के बारे में नहीं बताए हैं। तो ये हो जाएगा उनका समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप बच्चों से बोलिए, बच्चों आज हम समानुपात का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये था उद्देश्य कथन। उसके बाद आप लोगों को ले चलता हूं मैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखना है। उसके बाद आपको क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियां और श्यामपट कार्य, ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं यहाँ पे। एक बार ऊपर से भी देख लीजिए, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु में सबसे पहला पॉइंट डालिए आप प्रथम अनुमिति। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रथम अनुमिति का मतलब होता है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं किसी क्लास में, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बेल आइकन के यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके
आप मेरी अदर वीडियो भी देख सकते हैं जो पहले मैंने जिस जहाँ पे प्रथम अनुमिति के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि प्रथम अनुमिति का मतलब होता है कि अगर कोई आप लेसन प्लान कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं किसी क्लास में, सेवन्थ में जैसे इस चैप्टर को पढ़ाने जाएंगे, तो समानुपात के बारे में जरूरी नहीं है कि आप 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट में पूरी चीजें बता दें बच्चों को। आप कुछ चीजें बताएंगे, उसके बारे में उनको बोलेंगे कि आप इसका प्रैक्टिस करिए, फिर अगली क्लास में आप आएंगे पढ़ाने के लिए तो समानुपात के जो बचे हुए चीजें रहेंगे उसको पढ़ाएंगे। तो प्रथम अनुमिति का मतलब होता है कि आप पहली बार समानुपात पढ़ाने के लिए अभी आए हैं क्लास में। अगर आप आज पढ़ाने के बाद फिर कल आते हैं पढ़ाने के लिए तो उसको द्वितीय अनुमिति लिख दे, वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए समानुपात के बारे में, यहाँ पे मैंने नंबर वन पॉइंट पे लिखा है, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप डबल पॉइंट का, यहाँ जैसे अनुपात का था उसी तरीके से इसका चिन्ह है, बस चार डॉट यहाँ पे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि 9:30 और 15:50 में समानुपात है, उसे हम 9:30 और 15:50 लिख सकते हैं, जिसको देखिए इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि 9:30 समानुपात 15:50 पढ़ते हैं। उसके बाद श्याम पाठ छात्र छात्रा क्रिया पे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या फिर छात्र ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा व्याख्यान विधि था तो इसको व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद आप कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप बता रहे थे 9:30 और समानुपातिक 15:50, तो उसको उदाहरण विधि भी लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब दो अनुपात समान हो तो उसे उसके ऐसे संबंध को समानुपात ब्रैकेट में सम धन अनुपात कहते हैं। समानुपात इकाई रहित चार पदों में तथा बराबर के स्थान पर समानुपात का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है समानुपात की अवधारणा। समानुपात की अवधारणा में चार राशियों या संख्याएं या पद समानुपाती होते हैं जब पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चारों पदों के ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। उसके बाद यहाँ पे भी छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। अब श्याम पट कार्य में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने श्याम पट, आप ब्लैक पेपर ले सकते हैं दुकान से, किसी भी जाके शॉप से, वहां से ब्लैक पेपर लेके, एक होती है ग्लिटर पेन व्हाइट कलर की ले लीजिएगा, उससे आसानी से यहाँ पे लिख के गम से इसको यहाँ पे चिपका दीजिएगा। उसके बाद द्वितीय अनुमिति के लिए आप यहाँ पर चलते हैं। द्वितीय अनुमिति में भी देख लीजिए, सारी चीजें पॉइंट उतनी ही रहेंगी, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण बिंदु और श्याम पट कार्य। द्वितीय अनुमिति में आप गए तो यहाँ पे देख लीजिए थर्ड पॉइंट है, बाह्य पद और मध्य पद किसे कहते हैं। बाह्य पद और मध्य पद का उदाहरण देते हुए आप उनको समझा सकते हैं कि 2:4, 7:3, 8:6 है, इसमें 2 और 6 बाह्य पद है, जो बाहर के जो पॉइंट है 2 और 6 ये बाह्य पद है और 4 और 3 इसके मध्य पद है। समानुपात में बाह्य पदों, चरम पदों, उसको चरम पद भी कह सकते हैं, का गुणनखंड बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे देख लीजिए 3:18, समानुपाते 20:120, तो अगर हम बाह्य पदों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो 120 × 3 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, और मध्य पदों का गुणनफल अगर ज्ञात करते हैं तो 18 × 20 हो जाएगा, ये भी 360 हो जाएगा। जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, इसको आगमन विधि कहते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बाह्य पद और मध्य पद के बारे में बताया है, तो इसको आगमन विधि कहते हैं। श्याम पट कार्य में देख लीजिए, इसको इस तरह से एरो मध्य पद और बाह्य पद का लिख के दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए नीचे, चौथा पॉइंट है विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे अज्ञात पद ज्ञात करना है आपको, 8:1 ब्रैकेट में ब्लैंक है, समानुपाते 7:14 है। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल देख लीजिए, यहाँ पे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे छात्र छात्रा क्रिया में। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है, ब्लैंक की जगह पे एक्स रख दिया है, तो बाह्य पदों का गुणनफल आ जाएगा आपका 112, मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 7x हो जाएगा, x मान लेंगे ब्लैंक को, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 16। उसके बाद समानुपात के जो दो प्रकार हैं, अनुलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात को हम सीधा समानुपात भी कहते हैं, जैसे 5 पुस्तकों का मूल्य अगर 100 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य 300 रुपए हो जाएगा। इसमें कोई भी दाम बढ़ाने से पुस्तकों की संख्या बढ़ती जाएगी, दाम घटाने से पुस्तकों की संख्या कम होती जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, ये व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद आ जाइए प्रतिलोम समानुपात पे।
कभी कभी एक राशि के बढ़ते ही दूसरी राशि उसी अनुपात में घट जाती है। उदाहरण के लिए अगर 5 मजदूर किसी काम मकान को 10 दिन में पेंट करते हैं तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पेंट करेंगे। प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने पूछा था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको व्याख्यान विधि कहते हैं। और अभी मैंने जो प्रश्न पूछा उसका यहाँ पे आंसर है कि 5 मजदूर 10 दिन में कोई काम करते हैं तो कितने दिन में 10 मजदूर उस काम को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे यक्ष जैसे रखा था वैसे रख के आप निकाल देंगे, 5 दिन आ जाएगा इसका आंसर। एक बार आप फिर से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कोई भी पॉइंट देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में भी मैं सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों को जो उसके कौशल होते हैं उसकी वीडियो वहां पे डाल दूंगा, उससे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आ जाइए पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितना आप पढ़ाए रहेंगे उसी हिसाब से आपको प्रश्न पूछने हैं। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न छोटे छोटे होते हैं जिससे बच्चे आसानी से बता सके। और उसके बाद आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में भी आप पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरह ही पूछ सकते हैं, बट मूल्यांकन में आप अपनी जो चीजें बच्चों को समझाए रहेंगे उससे पूछेंगे कि बच्चे उस चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के बारे में यहाँ पे मैंने पूछा है। और लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देख लीजिए, एक क्वेश्चन बना के दे दीजिए बच्चों को। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो यक्ष रख के जैसे सॉल्व किया था उस तरह से सॉल्व करके बच्चों घर से आपको करके लाना है। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान, जो जिसका हमारा प्रकरण था समानुपात। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार प्रस्तावना प्रश्न फिर से दिखा देता हूं मैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर किया करिए मेरी वीडियो पे, जिससे आप लोग क्या सोचते हैं मेरी वीडियो के बारे में, आप लोगों को अच्छा लगता है या कोई सजेशन है कुछ इम्प्रूव कर सकूं मैं इसमें, वो सारी चीजें मैं वहां से देखूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो वो सारी चीजें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल रोशन की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।